हेलो दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला को कम से कम 24 घंटे में 5 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आज मैं आपको प्रेगनेंसी में कम पानी पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वही बताने जा रही हूँ। पानी केवल शरीर को हाइड्रेट नहीं रखता बल्कि शरीर में से मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं, जिससे संक्रमण, शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचे रहने में मदद मिलती है। अगर प्रेग्नेंट महिला पानी सही तरीके से नहीं पीती है, उचित मात्रा में नहीं पीती है, तो उनके साथ साथ उनके गर्भ को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी होने पर प्रेग्नेंट महिला को थकावट, कमजोरी, सिर में चक्कर आने जैसी कई समस्याएं होने लगती हैं, क्योंकि पानी शरीर में एनर्जी लेवल बनाए रखने में मदद करता है। पानी की कमी के कारण एनर्जी लेवल कम हो जाता है, जिससे महिला को शारीरिक परेशानियां होने लगती हैं। पानी शरीर में पाचन को सही रखने का काम करता है। अगर प्रेग्नेंट महिला कम पानी पीती है तो पाचन क्रिया में दिक्कत आने लगती है, उसके बाद उनको कब्ज की समस्या हो जाती है, क्योंकि कम पानी पीने से शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकल नहीं पाते, जिससे पेट साफ नहीं रहता और पाचन क्रिया भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। दोस्तों, अगर प्रेग्नेंट महिला उचित मात्रा में पानी का सेवन नहीं करती है तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसके कारण महिला को ज्यादा यूरिन नहीं आती है। यूरिन नहीं आने पर टॉक्सिन्स बाहर निकलने के बजाय वो शरीर में ही जमा होने लगता है, जिससे इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान जब भी आपको डार्क यूरिन आए तो समझ लें आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला अगर कम पानी पीती है तो शिशु मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है, क्योंकि पानी न सिर्फ प्रेग्नेंट महिला के शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु को भी पोषित करता है। शरीर में हुई पानी की कमी के कारण प्रेग्नेंट महिला को सूजन की समस्या हो सकती है। कम पानी पीने से प्रेग्नेंट महिला की त्वचा भी रूखी रह सकती है। शरीर में मौजूद अंगों को सुचारू रूप से काम करने के लिए पोषक तत्वों के साथ साथ भरपूर मात्रा में पानी की जरूरत होती है। अगर प्रेग्नेंट महिला बहुत कम पानी पीती है तो शरीर की क्रियाएं बाधित होने लगती है, जिससे प्लेसेंटा को भी नुकसान पहुंचने की संभावना हो सकती है और इसका सीधा असर उनके गर्भ में पल रहे शिशु पे पड़ता है। इसलिए प्लेसेंटा का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। प्लेसेंटा में दिक्कत आने के कारण शिशु को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है, जिससे उनको नुकसान सहना पड़ता है। दोस्तों, गर्भावस्था में तेजी से ब्लड फ्लो होता है, महिला की सांसें भी तेज चलती हैं, महिला के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होता है। पानी शरीर का तापमान नॉर्मल रखने में मदद करता है। अगर महिला पानी की सही मात्रा का सेवन नहीं करती है तो तापमान बढ़ने से बुखार या फ्लू होने की संभावना बढ़ जाती है, जो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दोस्तों, गर्भ में शिशु के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो शिशु को मूवमेंट करने और सांस लेने में मदद करता है। पानी एमनियोटिक फ्लूइड को बैलेंस करने में मदद करता है। अगर महिला पानी कम पीती है तो एमनियोटिक फ्लूइड में कमी आ सकती है, जो शिशु के लिए ठीक नहीं होता है। डिलीवरी के समय शरीर में पानी की कमी होने पर प्रेग्नेंट महिला को बहुत सी शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान पानी का खास ध्यान रखें। पोषक तत्वों के साथ साथ शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है, तभी शिशु का विकास समुचित तरीके से होगा। इसलिए पानी भरपूर मात्रा में पिएं। पानी के साथ साथ आप बाकी तरल पदार्थ भी लेती रहें। नारियल पानी, फलों का जूस, दूध, शरबत, लस्सी, छाछ खूब पिएं, ताकि पानी की कमी नहीं हो और आपका शिशु गर्भ के भीतर स्वस्थ रहे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
हैं।